हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यूमी ऑन यूट्यूब पर। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या। तो आज चलिए मिलके बनाते हैं भरवा मसाले का मसाला, जो हम अक्सर बैंगन में, आलू में, भिंडी में या मिर्च में जो भर के मसाला बनाते हैं, हम स्टफ़ करके वो मसाला हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे आप स्टोर करके 3-4 महीने तक रख सकते हैं, और जब भी यूज़ करना हो तो आप इसमें कुछ चीज़ों को मिला के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिले। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर लें। तो इस मसाले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कम से कम 100 ग्राम के बराबर मोटी वाली सौंफ ली है, और उससे लगभग आधा 50 ग्राम के बराबर मैंने साबुत धनिया लिया है। जीरा मैंने लिया है 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच। मेथी का दाना 1 छोटे चम्मच के बराबर, और कलौंजी 1 छोटे चम्मच के बराबर, जिसे मंगरैल भी कहते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है, या इससे ज़्यादा अगर हो तो आप यूज़ करके आप चख के देख सकते हो, तो आप मिला सकते हो और ज़्यादा। तो अमचूर पाउडर को छोड़ के इन बाकी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो उसके लिए हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे, और गैस जला देंगे, और आंच को हमें धीमा ही रखना है बिल्कुल। और ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, और हमें ड्राई रोस्ट करना है अगले 4-5 मिनट के लिए। और ध्यान रखें आप कि आंच धीमी ही रहे बिल्कुल, तो ये मसाले जलने ना पाए। इसको धीमी आंच पे ही हम धीरे धीरे इस तरह से 4-5 मिनट तक भुनेंगे। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे मिक्सर जार में इसको हम पीस लेंगे। सूखा ही पीसना है हमें, इसको पाउडर बना के रख लेना है। तो ये देखिए, ये भुन चुका है, 4-5 मिनट हो गए मुझे, तो मैंने गैस बंद कर दिया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में या दूसरे बर्तन में हम निकाल के रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा हल्का गुनगुना रह जाए सिर्फ, तब हम इसको मिक्सर जार में इस तरह से पाउडर बना लेंगे सूखा ही। तो ये तैयार है मसाला, आप देखिए। और फिर इसमें हम जो आमचूर पाउडर हमने रखा है वो हम मिला लेंगे। तो ये मिलाने के बाद आप एक बार चेक करें कि बहुत ज़्यादा कड़वा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें मेथी दाना भी है और मंगरैल भी है। तो अगर आमचूर ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा और यूज़ कर लें। तो ये मसाला तैयार है, इसे आप 3-4-5 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी यूज़ करें तो उसमें आप लहसुन, हरी मिर्च, नमक और हल्दी, ये 4 चीज़ें मिला के आप इसको इस तरीके से बना लें, और फिर उसे स्टफ़ करके बैंगन में, मिर्च में भर के आप उसे तल सकते हैं या फ्राई कर सकते हैं। तो ये तैयार है मसाला। तो अगर आपको ये मसाला अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।